नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन प्रवक्ता चयन परीक्षा 2019 पीजीटी इतिहास भाग 23। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो केवल जो है रिवीजन मात्र के लिए अपलोड किया जा रहा है, तो आपकी रिवाइज आपको बना रहे। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था? इसका आंसर होगा डी, शिवनेरी। क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कौन था? इसका आंसर होगा ए, मोरोपंत पिंगले। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभियानों में से किस एक में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा वृंदावन को विनिष्ट किया था? इसके आंसर हो जाएगा आपका डी, चतुर्थ 1756 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शेर शाह द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु लिए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत यानी कुल भू राजस्व देय का कितना था? इसका आंसर होगा आपका सी, 2.5% या 2.5%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी? इसका आंसर हो जाएगा डी, जदुनाथ सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? इसका आंसर होगा ए, निर्धारित करों के अतिरिक्त एक दे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? आंसर होगा इसका ए, दादू। यहां पूछा अभंग में संकलित हैं दादू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किताब उल यामनी का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बी, उत्बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक चित्तौड़ की संधि यानी 1615 ईस्वी की शर्तों के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी, यानी राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित रहना था, ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, मियां वाईजीद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी, कि मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पुरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा डी, बेलन घाटी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 है सारी, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? आंसर हो जाएगा आपका डी, राखीगढ़ी। यानी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल पूछेगा तो राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 14,
विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, तुंगभद्रा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय के पश्चात एवं भारत छोड़ने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने भारत का सम्राट यानी बादशाह किसे घोषित किया था? आंसर हो जाएगा आपका सी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन दिया है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित किया था। कारण है, अकबर अपनी विजय की स्मृति को सजोने का इच्छुक था। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, उनके सही कालानुक्रम में रखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सबसे पहले जो है नियार्कस था, उसके बाद स्ट्रेबो, उसके बाद प्लीनी, फिर टालमी। बी इसका आंसर होगा। और इसका कोड याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, इसका कोड है निष्पटा, निष्पटा। ये ट्रिक है शॉर्ट क्रिटिक से, यानी सबसे पहले निस हो जाए नियार्कस, स से हो जाएगा स्ट्रेबो, प से हो जाएगा प्लीनी, टा से होगा टालमी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उसके सही कालाक्रम में रखिए। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी सबसे पहले लगद थे, उसके बाद आर्यभट्ट, फिर ब्राह्मीर, तब जो है ब्रह्मगुप्त, यानी सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा आपका डी, सैयद मोहम्मद जौनपुर, या जौनपुरी है, यहाँ पर कट गया ये, सैयद मोहम्मद जौनपुरी, जौनपुर के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, धूत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राजसूय। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कसफुल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में निम्न में से किसके द्वारा रचित की गई? इसका आंसर होगा डी, शेख अली हुजवेरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहां पर मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कथन और कारण से है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे। कारण दिया है, कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा गौतम बुद्ध एक आयु के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए आर दोनों तो सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अष्टखंडीय पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन निम्न में से किसके द्वारा संपादित हुई थी? आंसर हो जाएगा इसमें एच एम इलियट एवं जॉन डॉनसन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विवाह के किस प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त पूरी करनी होती थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, आसुर विवाह। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है गद्य
नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाज सनेई। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्न में से किसका स्थान प्रथम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ यानी किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है, सिंह शीर्ष का है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी पर जो है सिंह शीर्ष है, सारनाथ के स्तंभ पर भी, सांची के स्तंभ पर भी, कोल्हुआ के स्तंभ पर भी, लाहौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ पर भी, यानी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था, इसका आंसर हो जाएगा सी पुत्री को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तेवारम किन शैव संतों के गानों और भजनों का संग्रह है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अपर संबंधर सुरंदर, ये सब शैव धर्म से या भजनों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में पुरुष प्रायः ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे और स्त्रियां बौद्ध थीं, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इच्छवाकु। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है, इसका आंसर होगा ए चौसा से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है, बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, आंसर हो जाएगा ए गंधार में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सुमेलित करने वाला है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी हरिभद्र जो है जैन धर्म से संबंधित है, लकुलिश जो है शैव धर्म से हैं, नाथ मुनि जो हैं वैष्णव धर्म से, वसुबंध जो है बौद्ध धर्म से, यानी बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वल्लभी संबत अभिन्न है, आंसर हो जाएगा गुप्त संबत से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी, आंसर हो जाएगा आजीवकों के लिए, आजीवक के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो, इसका आंसर हो जाएगा डी रेशमी कपड़ा का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह जो है अनुलोम विवाह का निदर्शन है या उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा बी मेघातिथि। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठ भाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पंचाल। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कावरीपट्टनम और कोरिके। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रॉपर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी,
इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नरोजी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संघाओ गुफा पूरा स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य पूरा पाषाण काल का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वह गुप्त शासक जिसने हूणों को पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। इसके आंसर हो जाएगा बी, लेखिया शिलाश्रय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जैन मत में संथरा से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका। इसका आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशियन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी, कहाँ पर मुलाकात हुई थी। आंसर होगा इसका डी, नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है ये, गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल में निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, गुरु अर्जुन देव। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।